नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इज अर्निंग बाय प्रभास पे। तो देखिएगा, एक और एजुकेशनल वीडियो आ चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपको रिगार्डिंग द पेनी स्टॉक क्या चीज़ें आपको गौर करनी चाहिए और कौन से पेनी स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना चुके हैं और इनकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस पर्टिकुलर एजुकेशनल वीडियो में करेंगे एक एक बात। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर दीजिए, जो कि वहाँ पर आपको डेली मार्केट के अपडेट व्यू प्रोवाइड किए जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्या कर सकते हैं, ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो स्टॉक है, जो पेनी स्टॉक जिसने शानदार रिटर्न बना के दिए, जिसको लिए आपको हमेशा गाइड किया गया। आपको ये स्टॉक देखिएगा, 4 रुपए के लेवल पे बताया गया, 6 रुपए के, 7 रुपए के लेवल पे बताया गया और देन आफ्टर दैट 9 रुपीज के लेवल पे भी बताया गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने शानदार रिटर्न बना के दिए। तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या देखना होता है पेनी स्टॉक में, तो आपको सिंपल 5 मिनट का व्यू जो लेना होता है पेनी स्टॉक का, तो आपको उसके चार्ट देखने हैं। पहले आपको 1 डे चार्ट देखना है, फिर 1 मंथ चार्ट देखना है, फिर 6 मंथ चार्ट देखना है, 1 ईयर चार्ट देखना है, देन 5 ईयर चार्ट देखना है। तो उसमें आपको देखने को मिल रहा हो क्या, ग्रीन देखने को मिल रही हो, यानी कि जो उसका चार्ट है वो इस तरीके से जा रहा हो, यानी कि ग्रीन साइड में देखने को मिल रहा हो, तभी आपको उसकी पोटेंशियल ग्रोथ का पता लग पाएगा। ये इंडिकेशन है कि अगर आप 5 साल के रिटर्न भी देख रहे हैं तो यहां पर जो लोगों ने 5 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करा होगा उनको भी यहां पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि आपको चार्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक मैक्सिमम क्या होते हैं, निगेटिव चार्ट होते हैं। उनका जो चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, देन आफ्टर दैट डेप्ट आता है, उसके बाद कंपनी की ग्रोथ खराब होती है और देन वो क्या हो जाते हैं, पेनी स्टॉक बन जाते हैं। तो ये पहला इंडिकेशन होता है, ऐसे स्टॉक को आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। जो चार्ट क्या कहते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे होते हैं उनमें आपको स्टडी करना स्टार्ट करना होता है। देन आफ्टर दैट आपको देखने होते हैं फाइनेंशियल्स। तो देखिएगा, फाइनेंशियल में आपको देखना है कि बिजनेस में ग्रोथ कैसा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको देखिएगा ईयर ऑन ईयर, COVID-19 की बात कर रहा हूँ मैं, उस साल की बात कर रहा हूँ जिस साल बहुत बड़े बड़े बिजनेस डाउन हो गए, उसमें भी आपको 14% का जंप देखने को मिल रहा है। नेट इनकम में अगर आप देखेंगे तो 200% का जंप देखने को मिल रहा है। डायल्यूटेड EPS में भी आपको देखिएगा कितना बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। नेट मार्जिन में भी आपको कितना बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ऑपरेटिंग इनकम में भी आपको कितना बढ़िया क्या देखने को मिला है, इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ होती है, ये फाइनेंशियल्स होते हैं जिसको आपको चेक करना होता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी छोटी है और क्या कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, कंपनी का विजन अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको वहां पर पेशेंस रखने पर क्या मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा, जो आपको ट्राइडेंट के स्टॉक में देखने को मिला है। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप देखेंगे तो इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात इनकी लगती है हमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग। अगर आप बात करेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर का खुद का कॉन्फिडेंस इतना है कि वो अपना स्टेक, अपना जो मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसको खुद ही खरीद लेते हैं। तो प्रमोटर का जब कॉन्फिडेंस तभी होता है जब कंपनी में उनका इंटरेस्ट होता है, कंपनी में ऑनेस्टी से वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें कंपनी की वैल्यू पता होती है, विजन पता होता है, जो कि आपको यहाँ पे उन्होंने शेयर होल्डर को पैसा बना के भी दिया है। तो सबसे अच्छी बात इस कंपनी की है प्रमोटर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट कॉमेंट्री। और रिसेंटली देखिएगा, इन्होंने फोकस करना शुरू करा है ग्लोबल रीच पे, कि ग्लोबल रीच कैसे बढ़ाई जाए, लॉन्ग टर्म कस्टमर कैसे बनाया जाए, पोटेंशियल कस्टमर कैसे बनाया जाए, कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे की जाए। और ये केवल कह नहीं रहे हैं, ये कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे इनके पर्टिकुलर, अगर पिछले साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने लोगों को करोड़पति पहले ऑलरेडी भी बनाया। अगर आप देखेंगे 100% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिले इस स्टॉक में, जिसने इसको 7 रुपए के लेवल पे भी उठाया होगा। तो इस स्टॉक ने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लखपति बनाया है और जो लोग भी इस स्टॉक को होल्ड रखते हैं लॉन्ग टर्म में, इनकी बिजनेस ग्रोथ इसी कंसिस्टेंसी से अगर कंटिन्यू रहती है तो आपको इस स्टॉक में भी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ वेरी गुड,
जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सेकंड रिटर्न का काम करता है। अगर आप देखेंगे कंपनी ने कई बार अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड किया है, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक बढ़िया चीज़ होती है किसी भी पेनी स्टॉक के लिए। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कंपनी के मार्केट कैपिटल में काफ़ी सुधार हुआ है। अगर आप देखेंगे ये 3 रुपए का 4 रुपए का स्टॉक था COVID-19 में, और देन आफ्टर दैट आपको 17 रुपए का हाई देखने को मिला था। तो अगर देखेंगे तो मार्केट कैपिटल में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। और अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। डिविडेंड यील्ड भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे पोटेंशियल स्टॉक होते हैं, ये ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं कि आपको इनमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बना के देंगे। लॉन्ग टर्म में यानी कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनी स्टॉक के फाइनेंशियल को चेक करिए, स्टडी करिए, देन ऐसे स्टॉक्स को निकालिए और पेशेंस रखिए। और स्टॉक में जब भी गिरावट मिले तभी आप इनको फोकस में लाइए, तभी इनमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ऐसे स्टॉक्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पहला तो स्टॉक आपका हो गया ट्राइडेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। देखिए दोस्तों बात क्या हो रही है, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको पता है कि डाउन टू अर्थ आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3, 4, 5 साल में। अगर आप बात करते हैं 2 से 3 साल में भी आपको काफ़ी अच्छा एक डाउन टू अर्थ एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी बैटरीज। अब बैटरी को बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट भी बहुत आएंगे। तो आपको भी मैंने रिसेंटली जब मैंने कहा था इंस्टाग्राम पे कि कौन से ऐसी कंपनी है जो लिथियम बैटरी बनाती हैं, लिथियम बनाती हैं या फिर इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में देखिएगा जो प्रोडक्ट है अगर आप देखेंगे तो ये लिथियम आयन बैटरी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिथियम आयन बैटरी भी बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको पता है बिजली भी महंगी होगी, तो सोलर पैनल, सोलर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी ये बनाते हैं। और अगर आप बात करेंगे जो पैनल्स होते हैं सोलर पैनल्स जो गाँव में आपको पता है बिजली प्रोवाइड करते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर देखिएगा फोकस करना है, लाइट प्रोवाइड करनी है, तो यही एक माध्यम है जिसके थ्रू गांव में ज़्यादा तेज़ी से बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग स्टॉक थी, यानी कि अगर जिनने पिछले 2 साल पहले अगर ये स्टॉक किसी के पास होगा तो काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक 3 रुपये पर लाया कर रहा था, 3 रुपये, 3.5 रुपये इस तरीके से स्टॉक लाया कर रहा था, मूवमेंट ही आपको देखने में मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली तो देखिएगा इस कंपनी के स्टॉक में भी आपको मूवमेंट देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। तो देखिएगा कंपनी सोलर पावर बनाती है, कंपनी टाटा सोलर सॉल्यूशंस, और देखिएगा कई तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई हर तरीके से अगर जो इनकी अप्रोच है वो सोलर प्रोडक्ट की अप्रोच है। तो ये कंपनी देखिएगा एक ऐसी कंपनी है जो इमर्जिंग कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, रिस्क फैक्टर बहुत ही है। क्यों? चूंकि पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनी स्टॉक। लेकिन अगर आप चार्ट बात करेंगे देखिएगा फिर से मैं 5 साल का चार्ट लेके आया हूँ, तो बहुत दिनों तक ये स्टॉक क्या कर रहा था, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट इसका मूवमेंट देखिएगा 2018 में आया था, अब आपको 2021 में मूवमेंट देखने को मिला है। तो बहुत दिनों तक स्टॉक 3 रुपये पे लाया कर रहा है, बहुत पेशेंस को टेस्ट करा है इस स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा, और देन आफ्टर दैट उनके जो भी शेयर होल्डर थे उनको रिटर्न देखने को मिला है। अभी स्टॉक में शॉर्ट टर्म का कोई भी व्यू नहीं है, मैं शॉर्ट टर्म के व्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चूंकि ये सारी बात इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा 3 से 5 साल का, तभी आपको इन कंपनी की डिमांड्स, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। एक हाल में 6 महीने में काफ़ी बढ़िया स्टॉक ने रिटर्न बना के दिए हैं। देखिएगा 3 रुपये का स्टॉक देखिएगा अचानक से जंप करके 8-9 रुपये पे पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें देखिएगा आपको कब मिलती हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं। अब कंपनी की बात करेंगे तो देखिएगा कंपनी देखिएगा पहले इतनी बढ़िया कंपनी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बनाना शुरू करा है। नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है।
और अगर आप बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिएगा लॉस से प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा है विच इज गुड। और इस तरीके से देखिएगा छोटी कंपनी में आपको अचानक से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पीयर्स की बात करेंगे तो बड़ी कंपनियां इसके पीयर्स हैं, अभी उनमें आपने बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ देखी है, रेन इंडस्ट्री, पीटीसी इंडिया, इनमें आपने बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ देखी है, तो उस कंपैरिजन में देखेंगे तो ये स्टॉक देखिएगा अभी काफी अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी में देखिएगा जो डेप्ट था वो कम किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी ये बन चुकी है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जो पेनी स्टॉक होते हैं, ये पेनी स्टॉक के आपको जो कंपनी होती है उसकी बिजनेस को कॉन्टिन्यूस आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि एक दो क्वार्टर अगर इनके खराब होते हैं तो तुरंत उसका रिफ्लेक्शन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, आपको कंपनी के वैल्यूएशन में देखने को मिलेगा। और कभी भी ऐसे स्टॉक्स में बल्क बाय नहीं किया जाता, धीरे धीरे क्वांटिटी एक्यूमुलेट करी जाती है, लॉन्ग टर्म का व्यू बना के एक्यूमुलेट करी जाती है, और जब धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए और आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, तब धीरे धीरे आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जो आगे आपको, ये ऐसे पेनी स्टॉक हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न बना के दे भी सकते हैं, और ये ऑलरेडी दे भी चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पे आपको स्टडी करना चाहिए, अगर आप इन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रिटर्न आप मार्केट से बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।